राजस्थान में इस बार सवाई माधोपुर विधानसभा सीट हॉट सीट बनती जा रही है। यहां जनता में पैठ रखने वाले निर्दलीय ताल ठोक दिए हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के चुनावी समीकरण बिगड़ गए हैं। भाजपा कार्य समिति सदस्य आशा मीणा के भाजपा से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक अलाउद्दीन आजाद के पुत्र अजीज आजाद के चुनावी मैदान में ताल ठोकने से कांग्रेस के भी मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसे में अब सबकी निगाह सवाई माधोपुर विधानसभा सीट पर है। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस के दानिश अबरार मैदान में है। किरोड़ी लाल मीणा के लिए भाजपा की बागी आशा मीणा बड़ी चुनौती है, क्योंकि आशा मीणा साल 2018 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी। हारने के बाद भी 5 साल से लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही। ऐसे में जनता में आशा मीणा की गहरी पैठ और पकड़ है, जो डॉक्टर किरोड़ी के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। नामांकन के दौरान आशा मीणा समर्थकों की भीड़ भी नजर आई थी। हालांकि अभी भाजपा डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में अगर भाजपा आशा मीणा को साधने में कामयाब नहीं हुई तो भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस विधानसभा सीट पर जो हालात भाजपा के हैं, वही हालात कांग्रेस के भी बन रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस के दानिश अबरार यहां से विधायक है। कांग्रेस ने दानिश अबरार पर एक बार फिर भरोसा जताया है। सवाई माधोपुर सीट से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। दानिश अबरार करवाए गए विकास कार्य और कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक अलाउद्दीन आजाद के बेटे और अजीज आजाद कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे यहां का पूरा समीकरण ही बदल गया है। अजीज आजाद की अल्पसंख्यक समुदाय सहित अन्य समाज में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अजीज आजाद के चुनाव लड़ने से कांग्रेस के दानिश अबरार की मुश्किलें बढ़ गई है। सवाई माधोपुर विधानसभा में मुस्लिम और मीणा मतदाता अधिक संख्या में है। इसके चलते भाजपा कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार भी जाति समीकरण को देखते हुए घोषित किए हैं। अब दोनों ही पार्टियों और जाति के नेताओं ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। ऐसे में अब मीणा और मुस्लिम मतदाताओं के वोट बटने की संभावना प्रबल है।